नमस्कार, मैं आपके साथ काजल तिवारी और आप देख रहे हैं आई4न न्यूज़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत में ही उत्पादित किया जाएगा, साथ ही इसके स्टेशन भी होंगे और देश का आय भी बचेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इम्पोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा, और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैंने अर्बन मंत्री पुरी जी को रिक्वेस्ट की है कि हमारी महानगर पालिका में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने हमारे यहाँ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में 80 MLD स्लज को कन्वर्ट करके वो शुद्ध पानी इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ साल के मिलते हैं। मैं जो वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो पानी जो ऐसा गंदा पानी है उसको अच्छा करना और रूफ टॉप में सोलर और विंड मिल लगा कर, क्योंकि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा, यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपये है, तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5-2 रुपये/मिनट हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक, विशिष्ट बार तक, तो उसके लिए हम लोग जनरेटर भी यूज़ करेंगे, वो इथेनॉल बेस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये गाँवों में, शहरों में, नगर परिषद और महानगर पालिका क्षेत्र में ये होगा।